देख लेते हैं। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चेता, चेचा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वह है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जूसिया में। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आलू। अश्वस्थ अवस्तंभ मूल पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गन्ने में। जड़ें विकसित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मूलांकुर से। गाजर एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटे जड़ें कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तना। तो आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों वे यहीं पर ख़त्म कर दिए जाते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।